मैं कुरान पढ़ रहा तो एक आयत आई सूरह मारज की, तो मैं एक रुक गया। यार इसका मतलब क्या? कि वो जो है जिस दिन अपने बाग की तरफ जा रहा था, अल्लाह ताला ने उसको एक बाग दिया, अपने दोस्त को लेकर जा रहा था वहां पर, उसने कहा जल्दी जल्दी आ जाओ, हमारे बाग को कोई मिस्कीन ना देख ले, हमारे बाग को कोई मिस्कीन ना देख ले, जल्दी जल्दी आ जाओ। छुपके छुपके लेके जा रहा था, जब उन्हें बाग में पहुंचा तो बाग जल के ऐस नैस हो चुका था। अल्लाह, लेकिन वहां से जो मुझे एक पॉइंट, यार मतलब कि हम कितना सोचते, भाई मेरी नेमत को वो ना देख ले, भाई मेरी नेमत को वो ना देख ले, अरे मेरे यहाँ तक कि मैंने इतना देखा है घरों के अंदर कि मेरे खाने को कोई ना देख ले, मेरा चौकीदार ना देख। यार इतने छोटे हो गए हो। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम्हारे घर के अंदर सालन पकाए और कम है तो उसके अंदर पानी डाल दो, टेस्ट सैक्रिफाइस कर दो, लेकिन जो खुशबू जा रही है तुम्हारे बराबर पड़ोसी के अंदर तो जो है उस तक पहुंचा दो। इसलिए हमारे घर के अंदर हमारे मेड्स हैं, हमारी मेड्स हैं, हमारे नौकर हैं, हमारे चौकीदार हैं, हमारे ड्राइवर हैं, यार वो सब्जी वो लेके आते हैं, गोश्त वो लेके आते हैं, उसको नहीं पता, वो कहते हैं किचन के करीब ना आने दो, मासियों को इधर ना आने दो। भाई थोड़ा सा दे दो ना, जो जिस चीज का डर है नजर, तो अपना दिल ये हम दिल चोक करते हैं अपना छुपा छुपा के, भाई इसको पता ना चल जाए, भाई बता दो और दुआ पढ़ लो, थोड़ा सा दे दो उसको, यार कोई मसले की बात नहीं है। या अगर आपने नौकरों वगैरह को सर्व नहीं कर रहे और दे नहीं रहे, या उनको एक सेब और एक आपने वो नहीं दे दिया अनार सनार, तो भाई फेंको भी नहीं ना बाहर के, वो उनका दिल ललचाए, या तो बिल्कुल ना करो। लेकिन ये जो है ना कि मेड को साथ लेके जाएंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा कर देंगे और बिल्कुल उस साइड बैठेंगे, उसकी नजर ना पड़े, उसका मुंह उस तरफ। अच्छा ये तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी जी, जी, सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा इतना ये छोटे दिलों की निशानी है ना, ये दिलों का मसला है, ये नजर का मसला बाद में है, ये इंसान के छोटे तंग दिल होने का मसला ज्यादा। हम जो है ना वो छुपाते, इस छुपाने को मैं मना कर,